दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहिता के साथ की मारपीट, उपचार के दौरान मौत। पूरा मामला जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर के थाना सैदनगली कस्बा निवासी दीक्षा पुत्री कश्मीर सिंह का विवाह रीति रिवाज के अनुसार 8 नवंबर सन 2019 को चंद्रपाल सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी निरावली थाना बहजोई जनपद संभल के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दीक्षा के साथ दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा एक बुलेट एवं 10 लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद दीक्षा के साथ 10 सितंबर 2020 को दहेज नहीं मिलने पर उसके पति चंद्रपाल, पुत्र ओम प्रकाश, सास रामवती, देवर गोविंदा व मुमेरे ससुर रामपाल पुत्र अग्रसेन निवासी गाँव निरावली थाना बहजोई, ननद शांति पत्नी सुरेश, नंदोई सुरेश पुत्र नामालूम निवासी गांव कुरकावली थाना नकाशा, नन्हे पुत्र होराम थाना नकाशा आदि ने दीक्षा के साथ लात घूसों सहित उसका दीवार में सिर मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। उसके बाद ससुरालियों ने दीक्षा को कार में डालकर उसके पिता के घर छोड़ गए, जहां पिता द्वारा हसनपुर मुरादाबाद सहित अमरोहा में विवाहिता का इलाज कराया गया। इस दौरान विवाहिता की 29 सितंबर को रात्रि 11:15 बजे मौत हो गई, जिसके बाद मृत अवस्था में विवाहिता को घर लाया गया। वहीं पिता द्वारा थाने में तहरीर देकर ससुराल पक्ष आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि फिलहाल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृत का विवाहिता के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारी की जा रही है और मामले में वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या है और आज जो आपकी बेटी की मौत हुई है, ये कैसे हुई है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम तस्वीर सिंह सैनी है जी, और ये धन के प्राप्त धन मांगते थे, अब हमसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। लड़की को तंग करते थे, लड़की को पीटते थे, लड़की से दहेज मांगते थे, क्योंकि तेरे पाप ने दहेज नहीं दिया, ये बुलेट मोटरसाइकिल देते मुझे और कूलर देते और ये पंखे दिए हैं, ये साइकिल दी है, ऐसी चीज़ें दी है, मुझे बुलेट मोटरसाइकिल दी। हम इतने इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाए कि मोटरसाइकिल मांगते थे, हम तो पहले तय कर लिया था इनसे, मैंने कहा भाई हम पर मांग पूरी नहीं होगी, मांगो तो आप बताओ हमसे। अब मांगने पहले तो बोला ना मांग नहीं है हमारी से साफ बिल्कुल भी, और मांग नहीं है तो मैंने कहा साहब कोई बात ना, हम तुम लड़का पसंद है, अपन शादी कर दिया। कितने दिन पहले आपकी लड़के की शादी हुई थी और कितने दिन पहले ले लड़के आपके यहाँ पर आई थी? 8 नवंबर को बारात आई थी हमारे यहाँ। अच्छा, और 10 महीने हो चुके हैं। अच्छा, 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने में कम से कम 4-5 बार पंचायत हो गई है, और तुम्हारे के 4-5 बार लड़की को पीट पाट के यहाँ पर छोड़ गए। उसके बाद फिर लास्ट बार में फिर अगर तुम दहेज पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी लड़की को नहीं रखेंगे। अब कब से आपके यहाँ पर थी लड़की? अब ये हो गया 1 महीना लड़की को आए हुए। अच्छा, ये 1 महीना पहले यहाँ पर छोड़ गए थे, 1 महीना छोड़ने के बाद उन्होंने जो लड़की को यहाँ पर मारपीट करके यहाँ पर छोड़ गए, तो हमें उधर जब तबीयत खराब रहती थी हमने उनका इलाज कराया। इलाज कराने के बाद उसकी मृत्यु हुई। कहाँ कराया था इलाज? ये अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती की थी। अच्छा, मृत्यु कहाँ हुई? भर्ती की थी, वहाँ से जब लेकर आए तो उन्होंने छुट्टी कर दी हमारी। हाँ, वहाँ से जब निकाल कर ला रहे थे तो हम घर पर लेकर आए लड़की को, मतलब घर पर जब लेकर आए तो लड़की का जो सांस की धड़कन बढ़ी, धड़कन बढ़ने के बाद जो लड़की के लोग बोले और दिखाओ जी लड़की को अभी सांस है, वो भी लोग बोले, तो फिर हम जेवा अस्पताल पहुँचे। जब अस्पताल पहुँचने के बाद जब अस्पताल वाले बोले साहब है तो भर्ती नहीं हो पाएंगी, फिर ये लेके जाओ अमरोहा में। अमरोहा लेके गए, अमरोहा ले जाने के बाद वहाँ ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पर लेके गए, और वहाँ पर जाकर लड़की ने जो है वहाँ पर दम तोड़ दिया 10 बजे के करीब। अच्छा, अब रात पुलिस को सूचना दी, रात 10 बजे जैसे आए तो पुलिस को सूचना दी, तो PM के लिए उन्होंने सील कर दिया। आज शायद नगली थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर मोहल्ले में एक लड़की जो कि बहजोई में ब्याही थी, उसकी संदेहजनक पति की मृत्यु हुई। इस संबंध में थाने पर 304B 498 323 506 PC व 3/4 DP का भी संचित किया गया है।
शव का पंचायतनामा करने के लिए भेज दिया गया है। पीड़ितों की तलाश की जा रही है।